है गाइस, मैंने मंगाया है ये मेकर बाज़ार से कुछ प्रोजेक्ट मेकिंग का सामान, जो कि मुझे अमेजोन और फ्लिपकार्ट से बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ा है। ये मुझे टोटल कॉस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने मंगाया है 1026 रुपये का। तो चलिए फटाफट से इसके अनबॉक्सिंग करके देखते हैं इसमें क्या क्या है। काफ़ी अच्छे पैकिंग के साथ आया है, आप देख सकते हैं हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग पैकिंग रखा है उन्होंने। मैंने बहुत से प्रोडक्ट मंगाया है, चलो बारी बारी से दिखाता हूँ मैंने क्या क्या मंगाया है और इसके प्राइस भी बताते हुए चलूँगा। ये है एक 775 पावरफुल डीसी मोटर, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसे कई तरह के प्रोजेक्ट में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ड्रिल मशीन बना सकते हैं, एंगल ग्राइंडर बना सकते हैं। ये मुझे पड़ा है 198 का और ये 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। इसका एक एंगल ग्राइंड और ड्रिल मशीन का वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट है ये एल ब्रैकेट, जो कि कई तरह के मोटर को फिक्स करने में और सपोर्ट देने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे कि ऐसे आप इसको फिक्स करके स्क्रू की सहायता से कहीं भी फिक्स कर सकते हैं। मुझे ये पड़ा है 27 रुपये का एक पीस, मैंने इसे दो पीस मंगाया है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये छोटे छोटे दो डीसी मोटर, जो 3 वोल्ट से 6 वोल्ट में यूज़ होते हैं। चलो इसकी पैकेजिंग को ओपन करके देखते हैं। ये छोटा सा मोटर है, उसका मॉडल नंबर है 140। ये मुझे पड़ा है 19 रुपये का और ये बहुत ही ज़्यादा हाई आरपीएम पे ऑपरेट होता है। हमारा दूसरा मोटर भी सेम इसी के लुक का है, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है। इसका मॉडल नंबर है 260। आप देख सकते हैं दोनों के साइज़ का फ़र्क और मुझे यह पड़ा है 25 रुपये का। ये मोटर भी बहुत ही ज़्यादा हाई आरपीएम पे ऑपरेट होता है और इसको 3 बोल से 9 बेल तक आप ऑपरेट कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है ये गोल्डन डीसी मोटर। ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक मोटर है और ये हाई आरपीएम के साथ हाई टॉर्क भी जनरेट करता है। इसकी वाइंडिंग मोटे पायर से की गई है अंदर। मैं किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगा इस मोटर की खास बात। मैंने इसको दो पीस मंगाया है अपने आवश्यकता अनुसार। आप देख सकते हैं इसमें कितना पावरफुल मैग्नेट है, एक दूसरे के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्गली ये चिपक जा रहे हैं। नेक्स्ट है ये अडेप्टर, ये 755 मोटर के साथ इजीली कनेक्ट हो जाता है। इससे आप एंगल ग्राइंडर बना सकते हैं। ये देख सकते हैं इस तरह से आप कनेक्ट करके आप एंगल ग्राइंडर या बूट कटर के ब्लेड को लगाकर आप बूट कटर भी बना सकते हैं। इसको मैंने ख़रीदा है 75 रुपये में एक पीस। अगर आपको भी चाहिए तो मेकर बाज़ार से जाकर आप भी इसे ख़रीद सकते हैं। नेक्स्ट है ये रोबोटिक बिल, इसे मैंने 4 पीस मंगाया है और ये आरसी कार वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये मुझे पड़ा है 25 रुपये का दो पीस, मैंने दो सेट मंगाया है। अब देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग, इसमें काफ़ी अच्छी ग्रिप है और इसको आप ऑफ रोडिंग कार वगैरह बनाने में यूज़ कर सकते हैं। अगला मैंने मंगाया है ये बैटरी कनेक्टर, एक रेड एक ब्लैक। इसका मैंने दो सेट मंगाया है और ये मुझे पड़ा है 30 रुपये का। ये चिमटा भी प्रोजेक्ट बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगला मैंने मंगाया है ये N20 गियर मोटर। इसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा है, लेकिन इसके साइज़ पे मत जाना, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ये हाई टॉर्क जनरेट करता है। ये मुझे मिला है 149 का। इसका इस्तेमाल आप स्क्रू ड्राइवर बनाने में और भी कई तरह के प्रोजेक्ट बनाने में कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये गियर मोटर है, तो इसके गियर जो होते हैं वो मेटल के बने होते हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली मोटर होता है ये। नेक्स्ट मैंने मंगाया है ये स्पीड कंट्रोलर, इसे मैंने मंगाया है 130 रुपये का। चलो इसको खोल के देखते हैं। इसकी हेल्प से आप 5 वोल्ट से 12 वोल्ट के मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जिससे हर तरह के मोटर को आप कम ज़्यादा स्पीड कर सकते हैं। इसमें 4 पॉइंट दिए हैं, 2 इनपुट के लिए और 2 आउटपुट के लिए।
अगला मैंने मंगाया है ये TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल। इससे 1S बैटरी जो 18650 लिथियम आयन बैटरी होती है उसको इजीली चार्ज कर सकते हैं, और भी 3.7 वोल्ट के कई बैटरी को इससे चार्ज कर सकते हैं। इसको मैंने मंगाया है 2 पीस और मुझे ये पड़ा है 28 रुपये का पर पीस। ये है सी टाइप चार्जिंग मॉड्यूल, इससे हम सी टाइप चार्जर को लगाकर बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। अगला मैंने मंगाया है ये 3S 20 एम्पियर का BMS मॉड्यूल। इसकी सेल्फ से हम 12 वोल्ट बैटरी को बना सकते हैं। इसका प्राइस मुझे पड़ा है 129 का। इसका एक अपने चैनल पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि लिथियम आयन बैटरी 12 वोल्ट की कैसे बनाएं। यह है एक 20 एम्पियर का BMS मॉड्यूल। लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी आइटम है, इससे बैटरी को डैमेज होने से प्रोटेक्शन मिलती है। नेक्स्ट आइटम मंगाया है ये भी एक तरीके का चार्जिंग मॉड्यूल है, और ये स्पेशल तरीके का चार्जिंग मॉड्यूल है क्योंकि इसमें इंटीग्रेटेड बूस्टर कन्वर्टर लगा हुआ है। इससे 3 वोल्ट से 12 वोल्ट का आउटपुट आप ले सकते हैं, और ये मुझे पड़ा है 129 का। बहुत ही ज़्यादा हेल्प इससे हम ये सारा प्रोडक्ट मुझे पड़ा है 1026 का। अगर अमेजोन और फ्लिपकार्ट से आप खरीदेंगे तो इनके प्राइस 1800 से 2000 रुपये होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।